वेलकम टू रिसेव एकेडमी। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज सुपर क्लास को। आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एससीएफ। एलसीएम एंड एससीएफ स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सीखेंगे नए नए ट्रिक को सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार मेरे बच्चों जल्दी से सेशन को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो, क्योंकि फिर आगे देखा जाएगा कि एलसीएम एससीएफ क्या होता है और इसके ट्रिक क्या होते हैं। तो मेरे बच्चों जितना जल्दी शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर कर दो। ये चैप्टर नंबर 5 है। आज इसके सारे कंसेप्ट मतलब जीरो टू हीरो हो जाने वाले हो तुम लोग। मतलब जो जो बच्चा कुछ नहीं जानता होगा एलसीएम एससीएफ पे आज सब कुछ जान जाएगा। क्या होता है एलसीएम एससीएफ, कब लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे आज सारा कुछ तुम्हारे सामने हम लाके रखने वाले हैं और सारा कुछ तुमको घोल कर पिलाने वाले हैं और सारा कुछ तुम्हारा डाइजेस्ट करवाने वाले हैं। पिलाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, जो पी रहे हो उसको डाइजेस्ट करवाना बहुत बड़ी बात है। आज सब कुछ डाइजेस्ट करवाने वाले हैं मेरे बच्चों। लेकिन सबसे पहले एक बार ये प्रॉमिस कर दो कि सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो जा पाए और अधिक से अधिक बच्चों का डाइजेशन जो है मैथ में मैं ठीक कर सकूं। मैं डाइजेशन मैथ में, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चों का मैथ की कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है, तो उसके हम डॉक्टर हैं, समझ सकते हो। उसके हम क्या है, हम डॉक्टर हैं। काफी कंप्लीट हार्ड चीजों को, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम डाइजेस्ट करवा देते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर पेन कॉपी लेके बैठ गए हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख दो यस सर आई एम ए रेडी। एक बार सभी लोग, सभी बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में इतना लिख दो यस सर आई एम ए रेडी। फिर चलते हैं, फिर डाइजेस्ट कराना स्टार्ट करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज होगी, कौन सी एक्सरसाइज होगी कि तुम डाइजेस्ट कर जाओगे, वो एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है मेरे बच्चों। पहले हम जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, एलसीएम के बारे में, एलसीएम क्या होता है, फिर एससीएम के बारे में देखा जाएगा। पहले एलसीएम निकालने का तरीका भी देखा जाएगा और क्या देखा जाएगा, एलसीएम निकालने का तरीका भी देखा जाएगा और देखा जाएगा कि फिर एससीएफ देखा जाएगा। एससीएफ देखने के बाद एससीएफ निकालने का तरीका देखा जाएगा, फिर दोनों में रिलेट किया जाएगा कि दोनों में अगर कॉमन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर ये चैप्टर को एंड किया जाएगा। तो मेरे बच्चों देखो, जैसे हम बोल दें एलसीएम निकालने कई तरीके होते हैं, एलसीएम निकालने कई तरीके होते हैं, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या पहले ये सुन लो। एलसीएम यानी इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। चलो ये हो गया। ये देखो दो या दो से अधिक नंबरों का, दो या दो से ऐसे नंबर जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब क्या बोल रहे हैं सर हमको नहीं मालूम है, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर जी क्या बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम है। पहले एलसीएम लेने के लिए दो नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो नंबर होना चाहिए और ऐसे दो नंबर का वो गुणनखंड कहलाता है एलसीएम, दो नंबर का वो गुणनखंड कहलाता है एलसीएम, वो छोटा से छोटा नंबर कहलाता है जो दोनों नंबर को विभाजित करते हैं, जो दोनों नंबर को विभाजित करते हैं। फिर से सुनो मेरी बात, दो एलसीएम उस नंबर को कहा जाता है, दो नंबर का जब दो नंबर का वो मिनिमम गुणनखंड, वो दो नंबर का वो छोटा से छोटा गुणनखंड जो दोनों नंबर को विभाजित करते हैं, जो दोनों नंबर को क्या करते मेरे बच्चों विभाजित करते, उस चीज को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं मेरे बच्चों। जैसे जैसे दो नंबर है, दो नंबर है, ये 6 हो गया ये 8 हो गया, हम पूछेंगे इसका एलसीएम, तुम लोग बहुत शौक से निकालोगे कि सर जी इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है इसका 2 × 3 लिख सकते हो, इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 24 हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 24 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये ऐसी संख्या है, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी संख्या है जो दोनों से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है, ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो दोनों से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है, ठीक है। समझ पा रहे हो जो बोलने कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो फिर से समझाते हैं कि देखो जो एलसीएम होता है ना वो नंबर होता है दो संख्याओं का जो उसको पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, दो संख्याओं का वो नंबर जो क्या होगा
पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ऐसे संख्या को हम एलसीएम कहते हैं, एलसीएम होता है। ठीक है, आगे चले, आगे देखा जाए, आगे सीखा जाए। तो एलसीएम निकालने के तरीके सीख रहे हैं। पहला तरीका होता है गुणनखंड मेथड, और हमेशा हम इसी मेथड से निकालेंगे भी। पहला तरीका मेरे बच्चों ये होता है गुणनखंड मेथड, गुणनखंड मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या बोल, कैसे निकालते, कैसे करते, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेथड अब बताएं, एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, ये तुम लोग सीख लिए। अब निकालते कैसे हैं उसके बारे में बात करें। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है मेरे बच्चों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यस सर एकदम मजा आ गया पढ़कर, एकदम लघुत्तम समापवर्तक फिर से बता दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो, डिफिनेशन में परिभाषा से ही क्वेश्चन उठा के दे देता है, परिभाषा से ही बहुत सारा क्वेश्चन उठा के देता है। तो तुमको आना चाहिए दो या दो संख्याओं का ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जो दोनों संख्या से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, देखो 24 एक ऐसा वो है जो दोनों संख्या से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाए। ये छोटा से छोटा नंबर है 24, उसी को एलसीएम कहते हैं। चलो अब एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि, पहला जो विधि है वो गुणनखंड मेथड। कौन सा मेथड? गुणनखंड विधि। कौन से विधि बच्चों? गुणनखंड विधि। अब क्या होता है ध्यान से देखो, गुणनखंड विधि क्या होती है ध्यान से देखना बच्चों, गुणनखंड विधि क्या होती है ध्यान से देखना। गुणनखंड विधि वो कहती है कि कोई भी दो नंबर है, जैसे ले लिया मैंने 6 और 8 का, उठकर उस सॉरी एक दो नंबर ले लिया 6 और 8, अब इसका तुमको करना होगा गुणनखंड। करते हैं गुणनखंड, करते हैं क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2, ये 3 हो गया, ये 3, ये 1 हो गया। ठीक है, अब 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, ये 2 4 हो गया, 2 2 हो गया, 2 1 हो गया। ठीक है, 8 का क्या हो गया, 2 4 हो गया, 2 2 हो गया, 2 1 हो गया। ठीक है, 2 4 हो गया, 2 2 हो गया और 2 1 हो गया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा गुणनखंड। तो अब देखो इस 6 को तुम क्या लिख सकते हो, इस 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, इस 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3, और इस 2 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अब कंबाइंड रूप से इन दोनों का मतलब एक फॉर्मेट में लिखो, एक फॉर्मेट में लिखो, बस ये जो दो नंबर है ना उसको एक बार लिखना है, जो दो नंबर है उसको क्या लिखना है, एक बार लिखना है। क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, एक बार 2, एक बार 2, बस नंबर रिपीट ना हो, जो कॉमन नंबर होते जो दोनों में होते हैं उसको एक बार लिखना है, जो नंबर दोनों में होते हैं ध्यान से सुनो, जो नंबर दोनों में होते हैं उसको एक बार लिखना है। 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 ये 2 हो गया और ये 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। 2 दुना के 4, 4 चार दुना के 8, 8 3 के 24, ये कितना आ गया, 24 आ गया, ये कितना आ गया, 24 आ गया। तो ध्यान से देखो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। एक दूसरा भी तरीका होता है मेरे बच्चों, दूसरा तरीका क्या होता है देखो यहां से ध्यान से, जैसे 6 और 8 लिख दो, 6 और 8 लिख दो, बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़े होंगे सॉरी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस मेथड को पढ़े होंगे, 2 और 6 और 8 लिख दिए। अब इसका करो एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ये 2 से लोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 2 से करोगे ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब 2 से करोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब 3 से करोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका जो गुणा कर दो वही 6 और 8 का जो एलसीएम होगा यानी महत्तम समापवर्तक होगा, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना आ जाएगा, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 8 3 के 24, 24 इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा यानी एलसीएम हो जाएगा। दोनों मेथड क्लियर है कि नहीं, क्लियर है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, दोनों मेथड मेरे बच्चों क्लियर है कि नहीं है बताओ कमेंट सेक्शन में, क्लियर है बोलो मेरे बच्चों। चलो मेरा बच्चा बोल रहा है सर क्लियर है, ठीक है चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं, देखा जाए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चल के देखा जाए इस पे क्वेश्चंस। चलो ध्यान से देखो,
अगर हम तुमको दे दे, अगर हम तुमको दो नंबर दे रहे हैं, दो नंबर दे, इसका लसा बता देना क्या आएगा, इसका लसा बता दो क्या आएगा। जैसे हम तुमको नंबर दे दे मेरे बच्चों, तुमको हम नंबर दे दे ये एक्स वाई, और नंबर दे दे एक्स वाई स्क्वायर, और नंबर दे दे एक्स स्क्वायर वाई। अब मेरे बच्चों इसका लॉस बताना, अब बताओ, अब तो ऐसे फैक्टर नहीं करोगे, ऐसे फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ऐसे गुणनखंड से निकालना पॉसिबल नहीं है, अब कैसे निकाला जाए इसका। तो मेरे बच्चों इसको सिखाए हैं, लेकिन एक बार हम तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि बच्चे मेरे क्या सोच पा रहे हैं, इसका निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। करो अपने से एक बार ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। एक बार मेरे बच्चों ट्राई करना इसका कितना आएगा, फिर हम बताते हैं। चलो उम्मीद है ट्राई कर रहे होगे, एक बार अपने से ट्राई करना, देखो कितना आ जाएगा, फिर हम बताते हैं तुमको एक्चुअल मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। एक्चुअल मेथड बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्राई कर लिया मेरे बच्चों, ट्राई, उम्मीद है कि ट्राई किए होगे। ध्यान से देखना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना। जैसे ये एक्स वाई लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स गुड़े वाई कर सकते हो, और ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, तो एक्स गुड़े वाई कर सकते हो ना, एक्स गुड़े वाई कर सकते हो, इसको करोगे एक्स गुड़े वाई कर सकते हो ना, ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। तो तीनों में देखो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है ये वाला एक्स कॉमन है, ये वाला एक्स कॉमन है, और कॉमन क्या है इसमें, ये वाला वाई कॉमन है। तो इसको एक बार इस वाले एक्स को लिख दिए, ठीक है, इनटू में इस वाले वाई को लिख दिए। अब इनटू में जो बचा है, फिर इनटू लिख दो, जो बचा है एक एक्स बचा है और एक वाई बचा है। तो एक्स का एक्स वाले के साथ करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनटू वाई का वाई वाले के साथ करोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये जो तुम्हारा हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, इसका एलसीएम, एलसीएम बोलते हैं। ये जो तुम्हारा हो गया उसको क्या बोलेंगे, एलसीएम, एलसीएम बोलेंगे, ठीक है। अब मेरे बच्चों समझ में आया एलसीएम क्या होता है। अब इसको हम पूछते कि गुणनखंड विधि से निकालो, तो ये गुणनखंड ही विधि लिखा है, लेकिन तुम सोच रहे हो इकट्ठा कंबाइंड करके निकाल ले, तो ये कोई नंबर नहीं है मेरे बच्चों, कोई अंक नहीं है कि कंबाइंड करके निकालोगे, कोई अंक नहीं दिया हुआ है कि कंबाइंड करके निकालोगे, ठीक है। तो ये कंबाइंड करके नहीं निकाला जा सकता है, ठीक ठीक समझ में आया मेरी मेरी बात, समझ में आया कि नहीं बताओ। चलो इसको देखो, इसको गुणनखंड विधि बोलते, और इसको जो बोलते हैं, इसको मैंने शायद एक ही बता दिया, इसको हम भाग विधि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पहला ये गुणनखंड विधि, और इस चीज को बोला जाता है, इस वाले चीज को जो मैंने इस चीज को बताया उसको बोला जाता है भाग विधि, भाग विधि। तो दो विधियां होती है गुणनखंड एलसीएम निकालने का, एक तो गुणनखंड विधि हो गया और एक तो भाग विधि हो गया। दो विधियां होती हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। दोनों विधियों में से किसी एक विधि से तुम निकाल सकते हो इसका एलसीएम क्या होता है क्या नहीं होता है, निकाल सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखा जाए दूसरा टॉपिक एससीएफ, बोलो ध्यान से बोलो, एससीएफ देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, सॉल्व किया जाए। समझ में आ रही है मेरी बात, एससीएफ पढ़ा जाए, समझा जाए, और उसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। एलसीएम समझ गए हो, अब बारी है एससीएफ समझने की, महत्तम समापवर्तक क्या होता उसके बारे में जानने की। ठीक है, देखा जाए ना, समझा जाए अब चीजों को। महत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालने का दो विधि मैंने बताया, क्या बताया, क्या बताया तुमको, बताया मैंने गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों विधि क्लियर है। अब आगे चलते हैं महत्तम समापवर्तक पर, सीखा जाएगा महत्तम समापवर्तक की कितने विधि होते हैं, क्या होते हैं।
और देखा जाएगा महत्तम समापवर्तक। थोड़ी सी हिंदी मेरी वीक है, तो महत्तम महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं एस सी एफ। एस सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। अब ये क्या होता है मेरे बच्चों? ये होता है दो संख्याओं का, दो संख्याओं का वह दो संख्या दो संख्याओं का वह बड़ा से बड़ा गुणनफल, जो दो दो फिर से सुनना, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित कर सके। फिर से सुनना, फिर से ध्यान से डेफिनेशन बना के हम इस वे में बोल रहे हैं ताकि तुमको समझ आ जाए, हम इस वे में बोल रहे हैं ताकि तुमको चीजें समझ आ जाए। तो ये वाला एचसीएफ ये होता है मेरे बच्चों, दो संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या करते, विभाजित करते, पूर्णतः क्या करते, विभाजित करते। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा, हम समझाते हैं, हम समझाते हैं, समझाया जाए, बोलो। चलो चलो बताते हैं, देखो ध्यान से देखना। जैसे दो संख्या है, ये दो, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये 12 हो गया। ये क्या हो गया? 12 हो गया। अब देखो एक संख्या ऐसी है, एक संख्या दो है, दो संख्या ऐसी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। दो संख्या ऐसी संख्या है जो इसको भी पूर्णतः विभाजित करती है, इसको भी पूर्णतः विभाजित करती है, इसको भी पूर्णतः विभाजित करती है। अगर तीन संख्या लेंगे तो तीन ऐसी संख्या नहीं है, चार लेंगे तो चार ऐसी संख्या नहीं, चार इसको नहीं विभाजित करती है, छह लेंगे तो छह ऐसी संख्या नहीं है। लेकिन दो मेरे बच्चों ऐसी संख्या है कि इन तीनों नंबर को, ये तीनों नंबर को वो पूर्णतः क्या करती है, पूरी तरह से विभाजित कर देती है। इसी दो को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। एचसीएफ बोला जाता है यानी महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें मेरे बच्चों क्लियर है कि नहीं है बताओ? इतनी बातें क्लियर है? महत्तम समापवर्तक किसे बोला जाता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर है ना? तो चलो हम देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब निकालते हैं इसको कैसे, सबसे बड़ी बात है कि इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक को निकाला कैसे जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बताया जाए। जैसे ये देखो इसका भी दो विधि होता है, पहला विधि पढ़ो, पहला विधि, दूसरा विधि जानना भी नहीं है। क्यों? तुम कहोगे सर जी दूसरा विधि क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि तुमको वहां लिखना नहीं कितने विधि में होता है, तुमको निकाल के दिखाना है। तो पहला ही विधि से निकालना हमेशा, ताकि तुमको इजी रहेगा। गुणन गुणन खंड विधि, पहला जो विधि है गुणन खंड विधि। इसी संख्या का निकालना है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, तो ऐसे बना दो, सबका अलग अलग गुणनखंड निकाल दो। इसका निकालोगे दो से ये तीन हो जाएगा, तीन से ये कितना हो गया, एक हो गया। अब ये करोगे दो से क्या हो गया, चार हो गया। ये दो से करोगे दो हो जाएगा, और ये दो से करोगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये तीन से करो दो से करोगे, दो से करोगे कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। दो से करोगे तीन आ जाएगा, तीन से करोगे एक आ जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको मेरे बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो 6 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हो, और इसको 8 8 को क्या लिखते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 12 क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हो, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा। और कोई 2 कॉमन हो रहा है, और कोई भी संख्या ऐसा है जो तीनों में हो,
ऐसा कोई संख्या जो तीनों में हो? नहीं है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो तीनों में है। कितना आएगा? दो इसका कितना आ जाएगा? दो इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? दो इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दो इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ। आंसर का मतलब क्या समझ रहे हो? एचसीएफ। दो कहलाएगा एचसीएफ, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? दो क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखा जाए, चीजों को समझा जाए। बोलो, चलो एक हम समझाते हैं, इसका एचसीएफ बता देना क्या आ जाएगा। इसका एचसीएफ, एक क्वेश्चन हम देते हैं, एक्स के पावर 3 लिखा है, एक्स से घाते 3 लिखा है, एक्स से घाते 5 लिखा है, एक्स से घाते 6 लिखा है। अब मेरे बच्चों इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? तीन संख्या है, तीनों संख्या में से इसका एचसीएफ बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक बताना है। महत्तम समापवर्तक क्या होगा बताओ जल्दी से। इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। चलो मेरे बच्चों कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? चलो देखो, ध्यान से देखो, ट्राई कर लिए, ट्राई कर लिए, देखते हैं कौन पहले कमेंट सेक्शन में आंसर देता है, देखते हैं कौन पहले कमेंट सेक्शन में आंसर देता है। चलो ध्यान से देखो, बताना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे इसका अगर फैक्टर करोगे, इसका अगर फैक्टर करोगे क्या आ गया? एक्स गुड़े एक्स हो जाएगा। और इसका फैक्टर करोगे अगर एक्स गुड़े एक्स, मतलब इसका 5 बार गुड़ा किया गया एक्स में, अगर इसका करते हो तो एक्स गुड़े एक्स हो जाएगा, गुड़े एक्स हो जाएगा, एक्स गुड़े एक्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6। तो अब देखो इसका निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। देखो जो कॉमन होता है, जो सभी में होता है, एक एक्स है, दो एक्स सभी में है, तीन एक्स सभी में है, मतलब ये तीनों एक्स सभी में, तो एक्स गुड़े एक्स हो जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा x³ आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ? x² x³ आ जाएगा, x गुड़े x है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? x³ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ जल्दी से, समझ में आई मेरी बात? x गुड़े x हो जाएगा ये, या इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है ना, बोलो। चलो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, एचसीएफसी के ना, चलो एक आता है, एक दोनों में क्या होता है? संबंध होता है। तीसरा देखो, तीसरा टॉपिक आज का है एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध, में संबंध। ध्यान से देखना, एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध क्या होता है? ध्यान से देखो, अगर दो नंबर है ए और बी, ए और बी, ए और बी दो नंबर है, तो इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ में संबंध इतना होता है कि एलसीएम ऑफ ए बी, कुछ एलसीएम ए बी का आएगा, इनटू में एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है,
एलसीएम आप ए बी, एचसीएफ आप ए बी बराबर ए गुणे बी। ध्यान से देखो, दो संख्याओं का आपस में गुणा बराबर दो संख्याओं का एलसीएम गुणे दो संख्याओं का एचसीएफ। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्वेश्चन के, तुम्हारे एग्जाम से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये संबंध है। ये संबंध जो है मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये संबंध याद रखोगे कि एलसीएम एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी गुणे बराबर ए गुणे बी, ए गुणे बी हो जाता है। एलसीएम ऑफ ए बी एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए गुणे बी हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिखा दिया जाए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन इसी फॉर्मूले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो दिया है। वैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन तो दिया नहीं है, एक क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से करना। ये बोला है यदि दो व्यंजक कितना कितना एक्स स्क्वायर, देखो दो व्यंजक दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक व्यंजक ये हो गया और एक व्यंजक दिया है, एक व्यंजक क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए, ये दिया है, ये दिया और ये दिया है, और बोला है इसका महत्तम समापवर्तक, इसका इन दोनों का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है एक्स माइनस एक्स प्लस दो है, एक्स प्लस दो, इसका महत्तम समापवर्तक क्या है एक्स प्लस दो है, एक्स प्लस दो है। तो ए का मान, इसका एचसीएफ जो है एक्स प्लस दो है, तो ए एंड ए का मान कितना होगा, मान कितना होगा, कितना होगा, इसको ध्यान से देखो एक बार और इसको बताओ, ध्यान से सॉल्व करो कि दो व्यंजक है पहला व्यंजक इसको बोलेंगे, व्यंजक और यो दूसरा व्यंजक है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है मेरे बच्चों, एचसीएफ दिया हुआ है, इन दोनों जो एचसीएफ दिया है एक्स प्लस दो दिया है, एचसीएफ कितना दिया है एक्स प्लस दो दिया है, कितना दिया है एचसीएफ एक्स प्लस दो दिया है। और ये बोला है, ये क्या बोला है, ये बोला है कि इन दोनों का ए का मान बताओ, ए का मान बताना है, ए का मान बताना है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो ए का मान क्या होगा, जल्दी से बता दो ए का मान क्या होगा, एक बार ट्राई करो अपने से। मैंने इसके पहले गुणनखंड पढ़ाया था उसका थोड़ा सा यूज इसमें आएगा। मैंने इसके पहले क्या पढ़ाया था, गुणनखंड पढ़ाया था, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था, तो इसका जो थोड़ा सा यूज है ना इसमें होगा। तो मेरे बच्चों जल्दी से इसका यूज करो और बताओ कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से इसका यूज करो और बताओ कितना आंसर आ जाएगा। चलो हम देखते हैं, ध्यान से देखना।
जैसे मेरे बच्चों ये अगर 8, 6 और 8 का मैंने बताया था, 6 और 8 का तुम एससीएफ निकाल, 6 और 8 का एससीएफ निकाले तो कितना आया था? एससीएफ 2 आया था, 2 आया था ना। अब ये 2 ऐसा नंबर है, ये 2 ऐसी संख्या है, ये 2 ऐसी संख्या है जो इसको ही पूरी तरीके से विभाजित करती है और इसको भी पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। 2 1, मैंने एचसीएफ के, मैंने महत्तम समापवर्तक का डिफिनेशन यही बताया था, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को, मतलब जो सॉरी, वो दोनों संख्याओं का बड़ा से बड़ा गुणनखंड, वो दोनों संख्याओं का बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करते, जो दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, वही होता है वो दोनों संख्याओं का बड़ा गुणनखंड, वो दोनों संख्याओं का बड़ा से बड़ा गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होता है जो दोनों संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। तो ये देखो, इसका एचसीएफ एक्स प्लस दो दिया है, इसका एचसीएफ कितना दिया है बच्चों? एक्स प्लस दो दिया है, एक्स प्लस दो दिया है ना। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या वो है जो दोनों संख्याओं को, एक्स प्लस दो दिया है, ये दोनों संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। ये दोनों संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। ये मेरी बात समझ में आई? ये दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से क्या करेगा? विभाजित कर देगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसके बाद ध्यान से देखना, अगर ये अगर इस संख्या को विभाजित करता है, जैसे 2 6 को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, तो तुमको अभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अगर ये संख्या है एक्स स्क्वायर, गुणनखंड में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था एक्स माइनस ए, अगर ये इसका एक्स प्लस ए का भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो मैंने ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो इसको क्या करेंगे? एक बार 0 से बराबर करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, एक्स बराबर -2 हो जाएगा। अब एक्स की जगह ए को रख, एक्स की जगह -2 को रखोगे, अब बराबर ये क्या हो जाएगा? 0। गुणनखंड में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि क्यों 0 हो रहा है, माइनस ये बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो ये 4 हो जाएगा, 4, और ये माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस ये हो जाएगा। तो ये 4 2 6 बराबर में 0, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 6 माइनस ये बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। ये बराबर क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? ये 6 माइनस ए हो जाएगा, ये 6 माइनस ए हो जाएगा, और ये उधर जाएगा 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? 6 आ जाएगी, ठीक है। एक बार समझ में आया? फिर से समझो, जब इन दोनों का गुणनखंड ये है, जब इन दोनों का गुणनखंड ये है, ठीक है, जब इन दोनों का गुणनखंड ये है, तो ये वाला नंबर ऐसा नंबर है जो इसको भी विभाजित कर देगा और इसको भी विभाजित कर देगा। तो तुम कहोगे, सर जी इसका वैल्यू इसमें क्यों नहीं रखे, इसका मान निकाल कर एक्स का इसमें क्यों नहीं रखे हैं? हम इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि इसमें ए नहीं दिया था, ए नहीं दिया था। जब इसमें रखोगे तो वो 0 के बराबर कर देगा। इसमें रखो जो ए का मान इसी इसी से आएगा, ए क्योंकि यही प्रेजेंट है, तो 2 रखने पे 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1 के मान 6 आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे, एक अंतिम टॉपिक देखा जाएगा, एक अंतिम टॉपिक क्या देखा जाएगा? अंतिम टॉपिक ये देखा जाएगा कि भिन्न का लसक कैसे निकालते हैं, भिन्न का लॉस तथा मास मास निकालना। हम देखेंगे भिन्नों को, भिन्न का लॉस तथा मास कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखेंगे हम। भिन्न का लॉस तथा मास निकालना, भिन्न का लॉस तथा मास निकालना, भिन्न का लॉस कैसे निकाला जाता है, मास कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो रेडी हो मेरे चैंपियन, मेरे चैंपियन एक बार रेडी हो कि नहीं हो बता दो। भिन्न का लॉस कैसे निकाला जाता है, मास कैसे निकाला जाता है, एक बार मेरे दोस्तों रेडी हो कि नहीं बताओ, रेडी हो? चलो हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं भिन्न का लॉस तथा मास ऐसे निकाला जाता है मेरे बच्चों। अगर कोई भिन्न दिया है,
कोई भी भिन्न दिया, दो तीन भिन्न दे दिया, 2 बेटा 3 दे दिया, 4 बेटा 4 बेटा 9 दे दिया, और कुछ दे दिया 8 बेटा के, कुछ भी दे सकता है, 8 बेटा के 27 दे दिया मान लो। तो इसका लस और मस कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना। अगर इसका लस निकालना होगा, अगर लस निकालना होगा, जब भी लस निकालना होता है तो ऊपर वाले का अंश वाले का लस, अंश वाले का लस लेते हैं, अंश का लस लेते हैं, लस अपान में हर का मस, मस। देखो जब इसका लस निकालना होता है, यानी एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, तो इसका क्या करते हैं, अंश वाले का लस निकालते हैं अपान हर वाले का मस निकालते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अंश 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 वाले का क्या निकालते हैं, लस निकालते हैं, और हर वाले का मस निकालते हैं, इतनी बात क्लियर है। अगर मान लो यही दे दिया कि मस निकालने के लिए, पहला हो गया, अब इसका मस निकालने के लिए दे देगा, मस एचसीएम निकालने के लिए दे सकता है, मस निकालने के लिए दे दिया जाए, मस निकालने के लिए दे दिया जाए, तो क्या निकालोगे, अंश का मस लेते हैं और हर का लॉस लेते हैं। चलो मेरे बच्चों, अब देखो अंश का क्या लेते हैं, मौस लेते हैं, और देखो जो आप बच्चे कहेंगे, सर जी हमको ये फार्मूला याद नहीं हो पाता, पढ़े सब होते हैं लेकिन ये फार्मूला याद नहीं हो पाता है, तो याद करने का भी ट्रिक देखो, याद करने का भी बेहतरीन ट्रिक देखो, जिसका निकालना होता है, जिसका जो निकालना होता है, मान लो इसका लॉस निकालना हुआ, इसका लॉस निकालना हुआ, तो उसके ऊपर वाले अंश में लस निकालेंगे और हर में मस निकालेंगे, ठीक। अगर मस निकालना हुआ तो अंश में मस रहेगा और हर में क्या रहेगा, लस रहेगा। जिसका जो निकालना रहता है वो ऊपर लिखते हैं और जो उसका अपोजिट नीचे होता है, जैसे मस निकालना तो मस ऊपर रहेगा, लस नीचे रहेगा, लस निकालना तो लस ऊपर रहेगा, मस नीचे रहेगा। तो इसका देखो, इसका अगर लस निकालते तो क्या हो जाएगा, इसका लस 8 हो जाएगा, इसका लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, इसका लस क्या हो, इसका मस क्या हो जाएगा, इसका मस 3 हो जाएगा। तो लस निकालना है तो ऊपर वाले का लस हो गया, नीचे वाले का मस हो गया। अब देखो इसका मस, अंश का मस, अंश का मस, अंश का मस 2 हो जाएगा, हर का लस क्या हो जाएगा, हर का लस 27 हो जाएगा। तो दोनों तुमको मैंने फ्रैक्शन बता दिया, तो उम्मीद है कि आज की क्लास के ये लास्ट टॉपिक था आज का, ये अंतिम टॉपिक था आज का। तो उम्मीद है मेरे बच्चों कि आज का अंतिम ये टॉपिक करके मजा आया होगा, अंतिम टॉपिक मतलब पूरी क्लास मजा आया होगा। आज मैंने चैप्टर नंबर 5 को इंड कर दिया, इससे बाहर नहीं आता, ये इसके इसके बाहर नहीं आता, ठीक है, इसके बाहर नहीं आता, इसी में से तुमसे पूछेगा। तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसके अगले क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम अधिक है, जितना मेहनत एफर्ट लगा सकते हो, लास्ट टाइम चल रहा है, यही समय अंतिम, यही समय भारी, यही समय अंतिम और यही समय भारी। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर रिजल्ट आएगा, ईमानदारी से मेहनत करो मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक बार इस क्लास कैसी लगी, सारे टॉपिक समझ आए कि नहीं आए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कि सारे क्वेश्चन, जो सारे मैंने कंसेप्ट बताए हैं, समझ आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको ऑल द बेस्ट।